स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी में। मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट इंडियन आर्म रेसलिंग के, संदीप शेरोन भाई। कैसे हो ब्रदर? नमस्कार भाई जी, बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मैं भी फाइन। हिंदी के चैनल पे भी कुछ करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आर्म रेसलिंग को प्रमोट। और मेन रीज़न दोस्तों आज यहाँ पर होने वाला है, हम BCCI के आने वाले टूर्नामेंट की बातें करेंगे। बट बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब भी कोई गेस्ट फर्स्ट टाइम चैनल पे आता है तो इंट्रोडक्शन, उनका बैकग्राउंड, उसको भी 15-20 मिनट देना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड थर्ड टाइम जब संदीप भाई आएंगे तो सीधा स्ट्रेट टू टॉपिक जिसे बोलते हैं वो बातें शुरू होंगी, लेकिन आज ज़रूर जो बेसिक्स होते हैं वो बिल्कुल 100% कवर करेंगे। तो संदीप भाई, आपने शुरुआत कैसे की आर्म रेसलिंग से? सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आई एम श्योर आपने 500 बार जवाब दे रखा होगा जिसका, लेकिन फिर भी आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा। भाई जी, मैंने कॉलेज में खेलना स्टार्ट किया था कि जिस दिन मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था तो वहां पे फेस्ट चल रहा था। उस टाइम पे कॉलेज फेस्ट होता ही है, तो हमारा मेरा कॉलेज है NSIT, तो वहां पे भी आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो शौक तो होता ही है, जिम जाने का शौक होता है, चलो पंजा लड़ा लेते हैं। तो वहां पे खेलना शुरू किया तो मैं फाइनल मैच तक आ गया, जीते 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 जीते, एंड देन आई वॉन। कि जो मेरे सामने थे वो 3 ईयर्स के लास्ट ईयर के कंटिन्यूअस चैंपियन थे। तो जब मैं जीता तो एवरीवन वाज लाइक कि वहां पे मेरे काफी सीनियर्स भी फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक कि यार तू स्टेट खेल ले या और भी खेल ले। देन आई स्टार्टेड इट लाइक दैट। ये आपने आपने ना स्टोरी बड़ी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी। थोड़ा सा इसे बताते, कई लोग मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपने बोला कि मैं तो फर्स्ट कंपटीशन वहां पे खेला और मैं जीत गया, तो अभी बाकी लोग नहीं नहीं सोचेंगे इट इज यार। लाइक कि नहीं, कॉलेज में मैं बताता हूँ कि आप मेरी पुरानी पिक्स देखो या कुछ, ना मेरा थोड़ा सा वैसा ही था कि नाना जी पहलवान रहे थे, तो ना ग्रिपिंग की मेरे को आदत थी, बोरा निचोड़ने की, जिम जाने की, वो हमेशा से कहते बट फोर आर्म और पकड़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पहलवान आदमी रहे हुए थे। तो उनका यही था बेटा, पकड़ ऐसी होनी चाहिए, जहां एक बार पकड़ लिया ना तो छूटनी नहीं चाहिए, तो वो आदत वैसी बन गई थी। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाह रहा था उसके कि बाद मैं कोई हारा हूँ, रेगुलर हारा हूँ मैं स्टेट चैंपियनशिप। जब मैं गया क्लब खेलने के लिए तो मैं पहले दिन ही जब मैं प्रोफेशनल से भिड़ा, आई वाज लाइक यार मैं तो हारता ही नहीं। फिर आपको पता चलता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग क्या होती है, अभी भी हारते हैं हम लोग, एक एथलीट हमेशा हारता है, हारना बिल्कुल इज ए बिल्कुल। पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो हारने वाली स्टोरीज होती है इससे ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलती है। अगर सीधा लोगों को, बिगिनर्स को ये बता दो कि मैं तो पहले कंपटीशन में गया और जीत गया, तो वो सोचेंगे यार मतलब जेनेटिक्स का ज़्यादा खेल है, मेहनत का कम खेल है, क्योंकि हम तो हार गए थे पहले कंपटीशन में। बट अभी आपने क्लियर किया कि वो लोग भी कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे जिनसे आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में नहीं जीते थे। मतलब कॉलेज में कोई प्रोफेशनल नहीं होता है टिल अनलेस हाँ कि कोई पहले से प्रोफेशनल हो और वो किसी कॉलेज में ना पढ़ रहा हो। जैसे कि अभी हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं लेकिन दे आर प्रोफेशनल आर्म रेसलर, तो वो अपने कॉलेज में किसी को नहीं जीते। और ये काफ़ी मेरे ख्याल से कोई कम से कम 9-10 साल पुरानी बातें होंगी, तो उस टाइम पे तो आर्म रेसलिंग इतना क्रेज़ था भी नहीं। 2008 ज़्यादा हो 2008 गया, 14 साल पुरानी बात हो फोर्टीन गई। इयर्स यस राइट राइट, तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया फिर आर्म रेसलिंग में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि मेरे को ये पता था क्योंकि मैंने एक जगह काफ़ी सुना था कि अगर आप, मतलब ये कैसे पता लगाएं कि आप बिगिनर हो आर्म रेसलिंग में, और बिगिनर हो या नहीं ये पता लगाने का सबसे एक फॉर्मूला है, आप कभी नहीं हारे हो आर्म रेसलिंग में। अगर आप कभी नहीं हारे तो इसका मतलब आप पक्का बिगिनर आप हो। बिगनर हो, आप बिगनर हो। मेरे पास डेली क्वेरीज आती है, हर स्टूडेंट का जो मैसेज आता है नेशनल या उसके लिए, तो वो यही, सर मैं आज तक हारा नहीं हूँ। देन आई स्माइल, मैं कहा हाँ मेरे भी दिन थे, आई यूज टू बी ए किड। हाँ, तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था, मैं भी कभी हारा नहीं था। तो जब गया BCCI में फर्स्ट में, तो सामने मैच हो गया आकाश कुमार से, तो मैंने कहा तब तो पता लग गया था यार हार रहा है मैच तो मेरे को। तो भाई, आपने, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने बताया था कि आप इंजीनियर हो प्रोफेशन से, तो अभी भी वो काम चल रहा है या अभी आपने बिजनेस में स्विच किया है, या आर्म रेसलिंग में ही प्रोफेशनल हो, तो अभी क्या बैकग्राउंड चल रहा है? नहीं, मैं और मेरे डैड सेम डे रिटायर हुए थे दोनों। आई लेफ्ट माय जॉब लाइक 3 ईयर्स बैक, तो उसके बाद मैं फुल टाइम अपने बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ। लाइक वी हैव सप्लीमेंट स्टोर्स एंड वी कंसल्ट पीपल एंड मेनी सेलिब्रिटीज आल्सो रिगार्डिंग देयर फिटनेस रिजीम एंड एवरीथिंग, सो वी आर टोटली इनटू इट नाउ। एंड हम लोग अपने काफी सारे नए सप्लीमेंट ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स और भी नए वेंचर्स के साथ आ रहे हैं, सो वी आर टोटली फोकस्ड ऑन आवर वर्क नाउ। आर्म रेसलिंग इज अ पैशन, कि इसको आप एज ए प्रोफेशन, मतलब मैंने हमेशा पैशन के लिए खेला है, मैंने प्रोफेशन के नजरिए से नहीं देखा जब आज तक। तो एक चीज़ भाई मैंने आर्म रेसलिंग में देखी है, अगर किसी घर में एक आर्म रेसलर है या दोस्तों में, कम्युनिटी में एक आर्म रेसलर है, तो उसके अंदर वो होता है कि वो सबको उसी के बारे में सिखा देता है। मेरे दोस्त थे, अब वो भी बैठ के आर्म रेसलिंग
कि सर्च करते रहते हैं नेट पे। हाँ तो आपके साथ भी मैंने एक चीज़ देखी, ऑफ कोर्स मुझे लगता है पहले तो आप ही एक्साइटेड हुए होंगे, लेकिन फिर मैं बीसीआई में देखता हूँ कि आपकी वाइफ भी आई है, आपकी मदर भी आई है, आपके छोटे भाई भी। तो ये आपने स्टार्टिंग में कैसे सबको कन्विंस किया आप रेसलिंग में एक्साइटमेंट लाया, कुछ जबरदस्ती किया या ऑटोमेटिक हो गए वो? नहीं भाई जी, होता क्या, पहले मैं स्टेट खेला था, जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेट खेला, आई गॉट देयर लाइक थर्ड और फोर्थ प्लेस। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की, फिर मेरी प्रैक्टिस रोहित करवाता था, क्योंकि आपको कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर पाओ। और उस टाइम पे तो ऑनेस्टली में बिल्कुल भी वो नहीं था कि एक्साइटमेंट या उतना क्राउड या नहीं था, तो मेरी प्रैक्टिस करवाते करवाते रोहित इज ए लाइक चैंपियन राइट नाउ, कि वो लेफ्ट में राइट में दोनों में अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा है। एंड देन पूर्णिमा में होता है ना कि दो लोग तीन लोग की आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो पूर्णिमा को भी मेरे हाथ से जब वो ग्रिप लेने की आदत हो गई ना, तो नाउ शी उसके गर्ल्स के सामने खेलते बहुत कॉन्फिडेंट आता है, कि हाँ शी इज प्रीटी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो ये मैंने देखा, ये काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यार लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है ट्रेनिंग करना। मैं उल्टा मानता हूँ, मैं मानता हूँ लड़कियों के लिए आसान है, क्योंकि लड़की अगर हाई लेवल की भी है तो वो लड़कों के साथ जाके ट्रेनिंग कर सकती है, उसे ठीक रेजिस्टेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस पूल में। लेकिन लड़का अगर कोई अच्छे लेवल का है तो फिर उसे कई बार प्रैक्टिस के लिए ट्रैवल करना पड़ जाता है, जैसे फॉरेन में तो हम देखते हैं, इंडिया में भी प्रैक्टिस का उतना कल्चर नहीं है, लेकिन फॉरेन में तो क्या होता है, फ्लाइट से भी लोग, फ्लाइट अकोमोडेशन करके भी लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेवल इतना है। अभी कोई जैसे डेव चेफी है या टॉड हचिंग्स है, तो उनको प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें जाके ट्रैवल करना पड़ता है। बट लेडीज़ इस मामले में थोड़ी लकी हैं, अगर वो थोड़ा स्ट्रेंथ गेम से थोड़ा सा हटती हैं लेडीज, अगर उस चीज को हटा दिया जाए तो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से वो आसानी से कर सकते हैं किसी भी क्लब्स में जाके। भाई जी जैसे मैं बताता हूँ, बाहर क्या होता है, लोग कंट्री साइड रहते हैं, दे लिव रियल फार अवे, तो उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा होना पड़ता है, दे हैव टू स्पेंड टाइम एंड एवरीथिंग, जी तो इसीलिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना, कि आपको वही करवा सकता है जिसे ना कि उसके रिगार्डिंग में एक्सपीरियंस होता है, वरना एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवा पाना, कि अगर आपको मतलब चैंपियन बनना है ना, देन इट्स नॉट दैट इजी, कि गर्ल्स को भी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भाई आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा, आपने कितने स्टेट टाइटल्स और कितने नेशनल टाइटल्स जीते हैं, और अभी भी भाई आप जी एक्टिवली आर्म रेसलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 10+ टाइम्स मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ। एंड स्टेट में पहले मेरा खेलने का होता था, मैं अपनी कैटेगरी खेलता था, देन आई यूज टू एनरोल माई सेल्फ एंड रजिस्टर माई सेल्फ इन टू द हेवियर कैटेगरी, कि मैं दो कैटेगरीज खेलता था। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप दो कैटेगरीज में गोल्ड ले आते हो, तो आपको सीसी की एक कैटेगरी का एडवांटेज मिल जाता है। या तो सीसी, मैंने दिल्ली में सीसी के फाइनल मैचेस सनी भैया के साथ काफी बार शेयर किए हैं, एंड नेशनल चैंपियन, नेशनल में भी मेरे काफी मेडल्स, 3 से 4 बारी मेरे मेडल्स रहे हैं, काफी बारी। तो आई एम प्रीटी एक्टिव इनटू इट, कि अभी भी मैं इंडियन टीम कैप्टन हूँ। तो लास्ट ईयर भी हम लोग जब बीसीए आपका दिल्ली हुआ था, तो हम लोग पोलैंड गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जी एंड दिस ईयर वी आर होपिंग फॉर फ्रांस। फ्रांस या तो भाई आपका एक द्वारका आर्म रेसलिंग क्लब है, जो कि मैंने एक बार आपसे बात भी की थी शायद लगभग 1.5-2 साल पहले मैसेज पे उसमें, तो उसके बारे में कुछ यस बताइए, क्या लोकेशन है और अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या नया कुछ इम्प्लीमेंट किया है ट्रेनिंग के लिए आपने, कितने नए लोग जुड़े हैं उस क्लब से? द्वारका रेसलिंग क्लब से अभी तक हमारे ऑलमोस्ट लाइक 100+ मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक स्टेट चैंपियन एंड नेशनल चैंपियंस, एंड स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग एट लाइक द्वारका सेक्टर 7। और हम लोग कभी चेंज करते भी हैं, तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं ग्रुप में, एंड वी आर वेरी एक्टिव इन टू इट, की इट इज डूइंग रियल गुड। वी हैव रियल टाइम चैंपियंस लाइक रजत बिष्ट है, रजत इज वेरी स्ट्रॉन्ग, गौतम है, और हिमांशु है, राघव है, देर आर मेनी चैंपियंस इन इट, की दे आर डूइंग रियल गुड। तो कुछ फीस वगैरह क्या क्या स्ट्रक्चर है मतलब वहाँ पे? हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते। मैंने पिछले, मेरे को ट्रेनिंग करते हुए हो गया, करवाते हुए हो गया लाइक 12 साल, आज तक मैंने किसी से नॉट इवन अ सिंगल पैनी भी, एक रुपया भी आज तक किसी को चार्ज नहीं किया है। बस इवन वी हैव हेल्प, अगर हमें लगता है किसी को इंजरी आ गई है, इफ समवन इज नॉट केपेबल, तो हम लोग उनको डाइट प्लान या सप्लीमेंटेशन से भी, वैसे भी अपनी तरफ से, कि हम लोग हेल्प करते हैं हमेशा सभी की। तो भाई आपने ये चीज़ नोटिस की है क्या, मैंने कई लोगों से सुना भी है और देखा भी है पर्सनली, कि अगर कोई चीज़ में अगर हमें फीस नहीं देनी पड़ती ना, तो कई बार लोग उसे सीरियसली नहीं देते कि फ्री की चीज़ है, भले ही आप उससे कुछ मतलब 50 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो, लेकिन तब बंदे के माइंड में आ जाता है कि हाँ मैंने कुछ दिया है, चलो चलते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो ये चीज़ आपने नोटिस किया है कि जस्ट बिकॉज फ्री है तो कई लोग आके मोटिवेट नहीं रहते ज़्यादा, या वापस चले जाते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिनों बाद? प्रदीप जी, होता क्या है, सबका ना अपना नजरिया होता है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है।
मेरा ये पैशन रहा है कि मैं आर्म रेसलिंग के रिगार्डिंग कि मुझे इस गेम से इतना रिस्पेक्ट है, प्यार है, कि मैं इस गेम के लिए किसी से पैसे नहीं लूंगा। आई एम डूइंग टू प्रमोट इट। तो इसीलिए कि हमें पता चल जाता है कौन सीरियस है या नहीं है, तो हम उसको उसी तरीके से अपग्रेड करवाते हैं। जो लोग सीरियस नहीं है वो, जो लोग इस चीज को इस तरीके से लेते हैं, तो बहुत जल्दी गेम से भी जा चुके होते हैं। यस, जो राइट लोग सही में सीरियस है ना, जो इस चीज को वैल्यू करते हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर हम लोग ऐसे फीस चार्ज करेंगे तो हमारे काफी एथलीट्स हैं जो कि 10 से 12 साल से खेल रहे हैं, तो उन्हें लगेगा, आपको पता है कि आप 2 साल में सारी चीजें सीख जाते हो, है ना? क्यों नहीं लगेगा राइट यार, उन्हें सेम ही चीज के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए हमें सही नहीं फील होता कि वी लव द गेम, सो वी शुड सपोर्ट इट एंड वी शुड प्रमोट इट विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स। राइट बहुत अच्छा कॉज है भाई, भगवान करते एंड भाई, रहना चीज को भगवान का जितना। दिया सब कुछ है, लाइक अच्छी फैमिली है, अच्छा बाकी काम है, सब कुछ है, सो वी डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम दिस गेम। राइट या सो ट्रेनिंग के बारे में भाई, आपका पर्सनल ट्रेनिंग भी आप देते हैं, शायद अभी भी देते हैं, तो उसका बैकग्राउंड आपका काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो आर्म रेसलिंग में आई थिंक आपने स्टार्ट किया होगा बॉडी बिल्डिंग से, और अभी आप आर्म रेसलिंग की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन कैसे हुआ? और आर्म रेसलिंग में अगर अभी भी आप जितने लोगों को देखते हैं, तो ट्रेनिंग में क्या चीज़ और ज़्यादा सीरियसली ली जा सकती है, और क्या आप चाहेंगे कि सभी आर्म रेसलर्स अपनी ट्रेनिंग में कुछ एक चीजें जो इम्प्लीमेंट करें जो अभी नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? यहाँ पे आपके दो तीन क्वेश्चन मिक्स हो गए प्रदीप भाई। आप बॉडी बिल्डिंग भी लाए, आर्म रेसलिंग भी लाए, मुझे फाइनल क्वेश्चन बताओ वन वे की कौन सा क्या जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पे आर्म बॉडी रेसलिंग बिल्डिंग मेन, इज लाइक। आर्म रेसलिंग से रिलेटेड मेन की मतलब आपने कैसे उसमें वो ट्रांसफर किया, और अभी आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो एक आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग में नए बंदे इंडिया में कर रहे हैं, या जो कोचेस भी सिखा रहे हैं उन्हें? सबसे मेन होता है भाई जी कि हमारा जो स्टैंस होता है ना आर्म रेसलिंग में, स्टैंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को ही यूज नहीं कर पा रहे हो ना वाइल अप्लाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वाइल गिविंग द स्पीड एंड आपको पता है जर्क खेलते हुए, तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रिप ओके करवाते हैं, और उसके बाद हम बाकी चीजों पे उनका फोकस करवाते हैं कि ग्रिप अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो अभी मतलब कितने डे अ वीक आप ट्रेनिंग के लिए, मतलब आप क्लब पे जाते हो या लोग आते हैं? वंस नहीं, हम लोग वीक में एक बार ही, या हम लोग वैसे नॉर्मली हमारा ग्रुप है कि मैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने बाइसेप स्टोर पे, वी हैव अ सप्लीमेंट स्टोर बाइसेप बाय द नेम ऑफ बाइसेप द्वारका सेक्टर 7। तो हम लोग कभी भी किसी का दिल होता है तो वहां पे मैसेज करके आ जाता है, हमारे पास वहां मैसेज टेबल भी है, टूल्स भी है, सो वी प्रैक्टिस देयर। तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली पैटर्न यही रखते हैं कि हम वीक में एक बार ही ट्रेन करें, क्योंकि आपको पता है जब इंटेंस ट्रेनिंग होती है ना, हम लोग फिर भी एक बार ही तो सफर, मतलब कि हमें इतना सफर कम कर चुके हैं इस गेम में, इतना पेन ले चुके हैं, हम लोग एक बार ही तो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी एथलीट्स की रिकवरी नहीं हो पाती है। अच्छा, बाइसेप्स आपने बोला तो उससे ध्यान आया कि सभी लोगों का, मैं मानता हूँ, इतना पेशेंस नहीं होता कि इंटरव्यू को लास्ट तक देखेंगे, तो अगर आपको फॉलो करना चाहें आपको बाइसेप्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर BCI को भी, तो कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, जो कि सारी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो अपलोड करते टाइम, तो तो कहाँ कहाँ पे यस अवेलेबल है आप सोशल मीडिया पर? भाई जी, मैं इंस्टाग्राम पे और आपका गूगल पे बाइसेप्स इज अवेलेबल एवरीवेयर, वी हैव आवर वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज एंड एवरीथिंग, एंड हमारे साहिल भाई ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बाइसेप्स के। कि ये इशू मेरे साथ आए थे इन माय अर्ली स्टेजेस, लाइक जब हम लोगों ने सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट किया, तब इंडिया में ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स के कोई मतलब बहुत गिने चुने सप्लीमेंट ट्रेंड्स थे, तो उस टाइम पे हम लोगों को काफी फेक सप्लीमेंट्स और ये सब और साइड इफेक्ट्स देखने पड़े। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट वी विल गेट इनटू इट, कि हम लोग जेनुइन सप्लीमेंट स्टोर्स की चेन में एंटर करेंगे, एंड वी इंप्लीमेंटेड इट। तो चलो भाई, अब इंडियन आर्म रेसलिंग के ऊपर थोड़ा आते हैं। आपने संजय भाई का नाम भी मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, मैं जानना चाहूँगा आपका बेस्ट, जो बोलेंगे, राइवलरी किसके साथ रही? कोई ऐसा इंसान जिससे 6 साल पहले भी खेलते टाइम आपको पता नहीं कि यार जीतूंगा या हारूंगा, और आज की डेट में भी सेम ही चल रहा हो, ऐसा कोई है आर्म रेसलर? मैं बताता हूँ, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो मैं सीसी खेलता था, फाइनल में सनी भैया के साथ मैंने खेला 2 से 3 बारी, एंड संजय भाई के साथ मैंने सुपर मैच भी खेला था लायंस अंपायर में, जो कि आई वॉन फर्स्ट मैच में आ रहा था, फिर देन आई वॉन कंटिन्यूअस 5 मैचेस, कि संजय भाई का मेरा क्लियर शॉर्टेज सीन था, हमारा गेम स्टाइल कुछ ऐसा था कि अगर मेरा हुक ग्रिप आती है देन आई विल, मैं वो गेम नहीं दूंगा, संजय भाई को पता था, एंड इफ संजय भाई फास्ट है ना, वो टॉप रोल एक्टिव हो जाते हैं देन ही कैन टेक द गेम, तो हमारा ऐसा रहता था। नाउ वी आर नॉट इन टू कॉन्टेक्ट एंड वी, हम लोग अलग अलग खेल रहे हैं फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, सो हम लोगों को काफी टाइम हो गया है कि हमने एक दूसरे को फेस नहीं किया है, सो वी कांट लाइक से एनीथिंग राइट नाउ। और एक क्वेश्चन भाई, जो कि मैं हमेशा ब्लैंक हो जाता हूँ, तो ये मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प मांगना है। मेरे इंग्लिश वाले चैनल पर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या कुछ, तो लगभग हर एक लाइव स्ट्रीम में लोग मेरे से पूछते हैं कि
इंडिया में कौन टॉप 5 आर्म रेसलर्स हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है इंडियंस के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टूर्नामेंट स्टाइल दो दो स्टाइल होता है, या तो आप टूर्नामेंट से पता लगा लो कौन बेस्ट है, या फिर आप यस सुपर मैच से पता लगाओ कौन बेस्ट है। टूर्नामेंट में कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा पहला हार्ड मैच फंस गया था, इसका ईजी था, तो अगर उल्टा होता तो शायद मैं जीत जाता, इसलिए लोग सुपर मैच कराते हैं। प्रदीप भाई, तो पता क्या है कि आप ना, मैं बताता हूं कि आर्म रेसलिंग ना एक ऐसा गेम है कि अगर आप मेरे से जीत रहे हो, ठीक है, और मतलब कि ये ना ग्रिप का गेम है। बहुत बार ये होता है ना कि किसी के लिए कोई ओपोनेंट बहुत इजी है, अगर हुकर है उसके सामने हुकर मिले ना तो वो उसको इजीली ले लेगा, और अगर हुकर को सामने टॉप रोलर मिल जाए तो उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, और हो सकता है कि कोई दूसरा जो बच्चा टॉप रोलर हो बेसिक वाला वो उसको उड़ा जाए। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि किसका प्लेइंग स्टाइल कैसा है ना, ओपोनेंट कौन मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे से जीतते हो तो जो बंदा आपसे जीत रहे हो वो मुझसे जीत जाए, हो सकता है वो हुक में खेलता हो, उसको आपका गेम स्टाइल इजी लगता हो, लेकिन वो मेरे अंडे में आ सकता है। बट फिर भी अगर आप, मतलब मेरा मानना है कि कोई इंडिया में थोड़ा सा बाकी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज कोविड के टाइम पे अलग ही बूम मिल गया, इंडिया थोड़ा सा कोविड के टाइम पे कम हुआ मैचेस। एट प्रेजेंट अगर आपको मैं सही में बताऊं ना कि टॉप 5 आर्म रेसलर की अगर हम बात करें, सही में कि जो टॉप 5 में आते हैं और एक्टिव हैं, तो हम कह सकते हैं कि सोहेल खान है, जो कि दुबई रहते हैं लेकिन पार्शली टाइम इंडिया में भी रहते हैं। सोहेल खान इज अ बीस्ट। सोहेल खान, प्रांजित सैकिया, सबको पता है कि प्रांजित ने 87 कैची की कैटेगरीज में होते हुए वो सीसी रहा है, तो उसका जो साइड प्रेशर है, जो आर्म कंट्रोल है, वो बहुत अमेजिंग है। अविन कुरियन यूज टू बी गुड, ये अविन कुरियन का भी मेरे को काफी टाइम हो गया उन्हें खेलते देखते हुए। एंड दीपांग सॉरी देवजीत फ्रॉम आसाम, देवजीत वो बहुत अमेजिंग रहे हैं। मेहंदी भाई हो गया, तो ये कुछ बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं अभी तक हमारे पास इंडिया के। और अभी पादसुन इज अमेजिंग, महाराष्ट्र से, इज ऑल्सो डूइंग वेरी ग्रेट साइड पार्थ प्रेशर। तो ये यंग लड़का भी खुद बहुत है, बहुत 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 पोटेंशियल है अभी यंग तो है, उसमें। उसका बहुत पोटेंशियल है। पार्थ में और प्रांजित में, दोनों में मेरे को देखने को मिलता है। और दीपांकर भी है एक लाइट वेट से, आसाम से, उसका गेम स्टाइल भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन अभी उन्हें गेन करना पड़ेगा। कि अगर हम ओवरऑल टॉप 5 की बात करें तो थोड़ा सा कि मुझे लगता है कि हाँ, स्ट्रेंथ में और गेन करना पड़ेगा। गेम स्टाइल बहुत अच्छा है। और भाई आप इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग को कितना फोकस करते हैं, मतलब उस पर कितना टेंशन देते हैं, देखते हैं भाई इंटरनेशनल सीन में क्या चल रहा है? नहीं, और एक दो क्वेश्चन मेरे रहेंगे मेरे। दूसरा, आपने बोला था कि पोलैंड में आप गए थे, उससे अलग भी आप कभी इंटरनेशनल खेलने के लिए गए हैं? नहीं, नहीं, पोलैंड के अलावा नहीं गया हूँ मैं, क्योंकि आई वॉज बैंड, मैं 2 साल के लिए बैंड था उससे पहले। तो पोलैंड वॉज अ माई फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए गया था, एंड इट वॉज एन अमेजिंग कि मैंने वहां पे ज्लॉटी भी खेला। कि ज्लॉटी एक मतलब सपना होता है हर इंडियन आर्म रेसलर का, ज्लॉटी टूर खेलना। सो वी गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू प्ले ज्लॉटी देयर, वर्ल्ड चैंपियनशिप देयर, लेवान सारा बैकमैन से लेके सबको खेलते हुए देखना, इट वॉज लाइक अमेजिंग एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। अच्छा ये वही वाला इवेंट था जो सारा बैक मैंने एक हाथ में वो लगा के यस लेफ्ट यस लेफ्ट यस से वो जीत गई इंजर्ड थी, है, हाँ वो सिंगल आर्म खेल रहे थे। लेफ्ट से जीत गई थी फिर भी। यस यस अमेजिंग भाई। और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग को आप फॉलो कर रहे हो कि भाई क्या चल रहा है सीन में, कौन किससे जीत रहा है, हर रैंकिंग ऑफ द टेबल, मैंने ईस्ट वर्सेस वेस्ट ऐसे? एट प्रेजेंट मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्टिव बट आई एम नॉट फॉलोइंग दैट इनटू इट, क्योंकि आपको पता है बिजनेस प्रोफाइल भी है, वर्क प्रोफाइल भी है। बट हाँ, जो मैंने अपना बेस्ट आर्म रेसलिंग खेलना सीखा था वो मैंने देखा था एलेक्सी वॉयवोडा को देख के। एलेक्सी वॉयवोडा वॉज लाइक ए लेजेंड, लेजेंड, लिविंग बिल्कुल लेजेंड टू मी, कि उनके जैसा मैंने बिल्कुल एथलीट नहीं देखा। उनका जो एक शांत रहने का स्वभाव, कि वो सो इंटेंस ना एंड सो कॉन्फिडेंट एवरी टाइम, लाइक कि अमेजिंग। ट्रेविस बेजेंट, जॉन बर्जेंट, दीज आर द लेजेंडरी प्लेयर्स राइट। कि जिनको देख के मैंने आर्म रेसलिंग के लिए कि काफी कुछ सीखा है कि हाँ। एलेक्स वोडा तो थे ही अमेजिंग, मतलब देखते थे उन्हें कि 275 पाउंड्स बॉडी वेट पे भी वो He was the ह्यूमन first फ्लैग man लगाता who, था बंदा। yes, he was the first human who defeated John Bazin after 26 years. हाँ Yes. अमेजिंग। तो भाई एक क्वेश्चन है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, BCAI, Yes. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर आर्म रेसलिंग इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा Yes. इंट्रोडक्शन दीजिए अगर कोई नए व्यूअर्स जान रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और क्या Yes. कर रहे हैं अभी बड़ा? BCA started in 2018 और 2019 में हमारा फर्स्ट नेशनल्स थे। एंड इट इज ए लाइक ए वेरी परफेक्ट, आई कैन से कि परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्म रेसलर इंडिया, कि जो कहीं भी जाके किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है
एंड हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज मुझे देखने को मिलती है ना बीसीआई में, कि अगर आपको वर्ल्ड खेलने जाना है या कहीं इंटरनेशनल खेलने जाना है, अगर आप अपने आप को क्वालिफाई करते हो तो हम लोग आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे। वी विल नॉट आस्क यू फॉर एनी सिंगल पेनी, आप खुद अपना वीजा लगवा के वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके खेल सकते हो एट योर ओन एक्सपेंस। जो कि मैंने काफी जगह देखा कि बाकी फेडरेशन में क्या होता है, आपको 2 लाख देना पड़ेगा, आपको 3 लाख देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वही कि एक ट्रांसपेरेंसी होता है ना, बंदे को पता होता है वो अपना पैसा कहाँ पे कैसे खर्च करेगा। ये फ्रीडम होना एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी फ्रीडम होती है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के, कि हमारे एक एथलीट को ना पूरी फ्रीडम होती है कि वो कहीं भी जाके खेले, तो आपके एथलीट को फिर इतना एक्सपोजर मिलता है ना बीइंग ए फ्री वर्ल्ड, कि दे विल ग्रो लाइक एनी वे। ये तो जो आप 1.5 लाख वाली बात बता रहे हो, मेरी मनोज से बात हुई तो वो भी मेरे को बता रहा था, एक बार टर्की में गए थे शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बोले 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा अब तो लिटरली पिछले 4-5 साल में फ़्लाइट डबल से भी ज़्यादा महंगी हो गई, और उतना 1.5 लाख का खर्चा तो मैंने कैलकुलेट करके देखा अभी भी नहीं बैठ रहा शायद मेरे हिसाब से। और वो देना है, वो बोलता है कि हमारा बेनिफिट उसमें कुछ नहीं, और खुद से जा भी नहीं सकते। तो ये तो चीज़ मेरे को जब पता नहीं थी जो आपने अभी बात बताई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपसे कि भाई आप क्या डिफरेंट कर रहे हो कि आप क्वालिफाइंग के नाम पे लेकर जा रहे हो तो फिर एथलीट खुद भी तो खर्चा कर सकता है। वो मुझे पता नहीं था, वो आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप फ्रीडम दे रहे हो एथलीट को। हम लोग हमारे एथलीट को ना किसी भी तरीके से बाउंड नहीं करते, कोई उस पर वो नहीं रहता, कि हमारी तरफ से फुल फ्रीडम है। तो भाई मेरे को, जैसे मैं तो कभी ट्रैवल किया नहीं इंटरनेशनल, तो मेरे को डाउट है कि जो क्वालिफिकेशन का लिखा गया है, तो क्या कोई बंदा, अगर मैं चाहूँ कि, अगर मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा आर्म रेसलर हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं IFA वर्ल्ड्स खेलने जा सकता, मेरे को क्वालिफिकेशन लेटर की ज़रूरत क्या है? भाई जी मैं बताता हूँ, अगर आपको वर्ल्ड्स में पार्टिसिपेशन करना है ना, तो आपको इंडिया से चाहिए कि इंडिया की जो ईफा की बॉडी होती है ना उससे आपको, और क्योंकि ईफा आपको इनविटेशन लेटर किस बेसिस पे देगा, आप वीजा कैसे अप्लाई करेंगे, आप वीजा तभी अप्लाई करेंगे ना जब आपके पास ईफा का इन्विटेशन लेटर होगा। ईफा इन्विटेशन लेटर उन्हीं एथलीट्स को देगा जिनका गोल्ड और सिल्वर मेडल आएगा, जब आपके पास वो होगा तभी आप एम्बेसी में जाके वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। एंड भाई इसका ऑर्गेनाइजेशन का अभी हेड कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को? सेकंड थर्ड कौन है, मेन बंदे कौन है ऑर्गेनाइजेशन में? बीसीआई में प्रेसिडेंट है अभी रॉनी सैगल सर, ट्रेजरर है हमारी स्नेहा मैम, और वाइस प्रेसिडेंट है अनूप, मिस्टर अनूप फ्रॉम आसाम, एंड आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो वी आर लाइक दैट कि तो फिर जो PAL के ओनर हैं इगोर मेजुरेन को, उनके साथ आपका कोई कांटेक्ट रहता है या फिर किस टाइप से मतलब रिलेशंस होते हैं, क्योंकि सेम ही ऑर्गेनाइजेशन है लगभग? वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इगोर मजरेंको, डॉन मजरेंको। ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी। हम लोग जब पोलैंड गए थे वी हैड द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी देयर, वी पार्टेड विद हिम, वी प्लेड, की एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो वी हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप विद हिम, कि हम लोग हमेशा जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो वी आर द वन हु आर लुकिंग आफ्टर इनटू एवरी एथलीट इन इंडिया। तो भाई थोड़ा सा आपके BCI के फर्स्ट इवेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें एक बहुत बहुत अच्छी बात है जिसमें आपकी तारीफ करूँगा, और एक दूसरी बात जो मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, ये आर्म रेसलिंग न्यूज़ की खासियत है कि मेरे जो गेस्ट आते हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती वो ज़रूर बताता भी हूँ मैं। पहली चीज़ मैं तो बताता हूँ भाई जी कि सॉरी जी, मैं नहीं नहीं आपको कोई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हमें कभी भी ना किसी का, हमें जो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना, हमें टू द पॉइंट बात करनी है, हमें कभी ना किसी का वो नहीं रखना है कि यार कि हमने इन्हें लाइव बुलाया तो हम इन्हें गलत नहीं बताएंगे, ये वो, वॉट एवर यू फील लाइक यू हैव फुल फ्रीडम टू से। हाँ, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था एक बार। मैंने डेवन लैरेट को अपने चैनल पे बुलाया, उससे पहले डेवन ने मुझे भी बुलाया था अपने चैनल पे, तो मैंने कुछ एक क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हार्ड पूछे कि भाई ये बात ठीक नहीं है ये वो, तो लोग मेरे को बोल रहे यार तू तो डेवन का हेटर है अपने चैनल पे बुलाया ऐसे। मैंने कहा मैं डेवन से डेली बात करता हूँ, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज पर, और वी आर टोटली ओके विद ईच अदर, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई तू तो हेटर हो गया, क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन पूछने से सामने वाला बंदा भी, अगर वो भी जेन्युइन है तो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा उस चीज़ की। एग्जैक्टली ऑब्वियसली तो भाई पहला इवेंट जो था मेरा, वो फर्स्ट टाइम आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस था। मैंने उससे पहले कभी भी, सही बताऊं, 2019 से पहले आर्म रेसलिंग टेबल तक नहीं देखी थी स्कूल में। हालांकि मैं बचपन से ही, मतलब वो इंसान में खुजली होती है ना कि यार कोई भी मिल जाता है आज आर्म रेसलिंग करते हैं, आज आर्म रेसलिंग करते हैं, तो वो तो बचपन से चला रहा था, लेकिन टेबल मैंने कभी नहीं देखी थी। और मैं देखता रहता था यूट्यूब पर वीडियोज़, लेकिन एक बार आकाश कुमार ने अपने चैनल पर डाला, रिस्ट हंटर ने, कि दिल्ली में हो रहा है, और बाई चांस मैंने उसी टाइम लीव भी अप्लाई की हुई थी, तो मैं छुट्टी भी दिल्ली उस टाइम पर, मेरा घर गाजियाबाद के आसपास है, वहां पे मैं गया हुआ था। तो मैंने सोचा यार मैं खेल भी तो सकता हूं, मैं सिर्फ देख क्यों रहा हूं।
तो एक बार खेल के भी ट्राई करते हैं। तो मेरा पहला इवेंट था, तो भाई जबरदस्त वेन्यू वगैरह था और फूड एकोमोडेशन सब कुछ मिला था, मतलब सब कुछ लिटरली। एकोमोडेशन लास्ट टाइम पे नहीं मिल रहा था, आपने खुद इतनी भाग दौड़ की थी, आप अपने घरों की चाबी दे रहे थे लोगों को कि भाई लो हमारे घर पे अभी रह हम लो जा। फ्लैट्स की, हमारे पास फ्लैट्स हैं, प्लीज स्टे इन टू तो इंडिया। ये तो भाई इतनी इतनी अमेजिंग बात थी, मतलब सब कुछ वेन्यू लोकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था फर्स्ट। और ये तो होगी अच्छी बात जो कि बेस्ट था, मतलब मैं पहले खुश था। जो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, आप मैं मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं कि आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं। आप आए फर्स्ट डे, आपने बोला कि भाई जो भी बंदा टाइम पे नहीं आएगा वी आर गोइंग टू डिस्क्वालीफाई देम, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। लेकिन मैं सोचा यार मैं अगले दिन टाइम पे पहुंच गया एकदम, आई एम रिपोर्टिंग ऑन टाइम, देखता हूँ तो कोई भी नहीं आया हुआ, मेरे कहा ये क्या होगा। तो लोग, क्योंकि मेरे को बड़ा सीरियस लगा, मैंने कहा यार सही में टूर्नामेंट टाइम पे स्टार्ट होगा, लेकिन भाई वो बहुत लंबा चला, टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ। ओ तो ये मेरी थोड़ी सी शिकायत थी, और ये इसे चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है फ्यूचर में। मैं बताता हूँ भाई जी, हुआ क्या था, जब हमने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, वी हैड ए वेरी स्मॉल टीम देयर, कि हमारे पास उतना मैन पावर था, बट उतना ह्यूज नहीं था कि सभी लोग बाहर से आए थे। एंड हम लोगों को ना सारी चीजें ना असेंबल करते हुए, इकट्ठा करते हुए, सारी चीजें टू द पॉइंट करते हुए, हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोग जब रात को सोए तो सुबह उठ के किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उतना जल्दी स्टेडियम तक पहुंच जाए। सो एवरीथिंग गॉट डिलेड, वी टोटली एक्सेप्टेड, एंड टूर्नामेंट खत्म होते होते भी काफी लेट हो गया था। लेकिन हमने फिर भी हमारे सारे एथलीट्स का ध्यान रखा था कि चाहे रात को हम कितना भी लेट थे, कि डिनर सबको गर्मा गर्म मिलना चाहिए, एंड टूर्नामेंट की जो एंडिंग है वो बहुत अमेजिंग और हैपनिंग होनी चाहिए। लेकिन इस बार हमने क्या है, इन कामों के लिए ना एक अपनी पूरी टीम इंप्लीमेंट कर दी है कि इस बार एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो, कि हम लोग वहां पे होते हैं नहीं होते हैं, एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो। और एक और चीज़ भाई, अगर वेट कैटेगरी का एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो कोई हो नहीं रहा, अगर अप्रोक्स टाइम मिल जाए जो कि फर्स्ट इवेंट में नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग क्या थे एज एन एथलीट बार बार जाकर पूछ रहे थे कि भाई हमारी वेट कैटेगरी कब आएगी, तो हमें आंसर नहीं मिल रहा था। उस चक्कर में कई लोग क्या थे, मैंने देखा कुछ लोगों को जो सुबह 8 से 1 बजे तक बैठे हैं, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं उनकी वेट कैटेगरी कब स्टार्ट होने वाली है, और 1 बजे के बाद वो निकल गए आधे घंटे के लिए, और पता लगा उसी टाइम में उनका नाम अनाउंस हो गया और वो कम्पीट नहीं कर पाए। तो उस नहीं, चक्कर में इंसान को 12 12 घंटे बैठे रहना पड़ जाता है कई बार। इस बार ही पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है कि हम लोग ना जो इवेंट्स है, कैटेगरीज किस किस के अकॉर्डिंग होगी, जूनियर कब होगा, राइट कब होगा, लेफ्ट कब होगा, डेट्स हमने अनाउंस कर दिया। और जब 18th का आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो उसी टाइम पे कि किस किस फ्लो में कैसे कैसे कैटेगरीज, हमेशा वैसे ही जाएगी, पहले 55 हो गया, फिर आपका 60 हो गया, फिर 65 हो गया, कैटेगरी वैसे ही होगी। लेकिन कौन सा किस टाइम पे स्टार्ट होगा, आपके जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको इन्फॉर्म भी कर चुके होंगे, और आपको एक लाइव वहां पे दिख भी रहा होगा, विजिबल भी होगा। सो एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। हाँ अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए तो वो तो बेस्ट है ही, उसमें किसी को वो उसमें क्या है कि हम लोग आपको भी बॉदर नहीं आपको करेंगे पता बार होता है बार। कि नेक्स्ट 2-3 कैटेगरीज कौन सी आने वाली है, बिल्कुल यू विल बी अवेयर ऑफ इट, आप उसके अकॉर्डिंग वार्म अप कर सकते हैं अपना, और डाइट वगैरह लेके कि आप एकदम बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। अभी वैसे क्या है कि अगर आप भी बैठ के कुछ ब्रैकेट्स बना रहे हो या माइक लेकर बैठे हो, तो पीछे से कोई बंदा मेरे जैसा आएगा कंधे पे हाथ मारेगा भाई मेरी कैटेगरी कब स्टार्ट होगी, तो वो आपके लिए भी थोड़ा सा हेडेक हो जाता होगा उससे। कि होता है कि सब लोग इतनी जिम्मेदारी, अपना अपना काम लेके बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे ना किसी को नहीं पता होता। दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि उसमें थोड़ा डिले हो गया था, अब तो सारा स्ट्रीमलाइंड है। तो मैंने तो आपके भाई 2 इवेंट देखे हैं और दोनों अटेंड भी किए थे, उसके बाद शायद आई डोंट रिमेम्बर द मंथ एग्जैक्टली बट आई थिंक अप्रैल में था शायद, वो भी दिल्ली में ही हुआ था इवेंट। और रेनबो तो अब क्लासिक। अभी हाँ रेनबो क्लासिक नाम था, उसमें भी मैं खेला था। अभी कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा चुकी है BCI टोटल। बीसीआई ऑलमोस्ट 10+ इवेंट्स करवा चुका है, बहुत सारे इवेंट्स अभी लाइंड अप है हमारे, कि बीसीआई ने नरेश सूर्या क्लासिक भी करवाया था, बहुत सारे स्टेट कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं, एंड वी आर लाइंड अप विद मैनी मल्टीपल थिंग्स, एंड वी विल बी गोइंग टू अनाउंस सम वेरी गुड न्यूज वेरी सून, समथिंग वेरी बिग, कि जो इंडियन आर्म रेसलिंग एथलीट्स को जो रिस्पेक्ट, जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, नाउ दे विल गेट इट वेरी वेरी सून। कब, वेरी सून कितना सर? नेशनल्स में ही हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं 20th को, 20th तक का वेट कीजिए। 20th को दोस्तों न्यूज़ बड़ी मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बताना भी कमेंट्स में कि खेलने जा रहे हो या नहीं गोवा में। तो भाई एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट में, BCI क्या डिफरेंट कर रहा है बाकी जो लोग अभी तक कर रहे थे उनसे? एक तो आपने बता दिया इंटरनेशनल ट्रैवल का, नेशनल लेवल पे क्या डिफरेंट कर रहे हैं? भाई जी मतलब इस चीज में ना मैं पूरी रात निकल सकती है कि अगर हम लोग बात करना शुरू करेंगे ना, बिकॉज मेरे को खेलते हुए हो गया, आई एम प्लेइंग नेशनल्स फ्रॉम लास्ट 2009 या 10 से नेशनल्स खेल रहा हूँ।
10 से 12 साल हो गए हैं। जब आप हम्म, बीसीआई में खेलने आते हैं ना, आपको एक प्रॉपर बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, कि बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत एसी अकोमोडेशन, बिल्कुल साफ सुथरे आपके टॉयलेट बाथरूम, खाना हम लोग कि आपने देखा बफे रहता है गर्मा गर्म, किसी को ये नहीं है यार यही मिलेगा खाना है मत खाओ। मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना पहले कि आपको पता है, शायद आपने पहले देखा नहीं है, आपको इसलिए नहीं पता है कि हमारा जो वेन्यू होता था वो ऐसी जगह पे होता था बहुत ही आउटस्कर्ट्स में, कि आस पास आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, और उसके बाद आपको जो स्टे मिलता था ना, तो वो उसमें गद्दे डाल दिए जाते थे। जैसे एक हॉल मिल गया उसमें 4 या 5 पंखे होंगे एसी, आप सपने भी मत लेना कि एसी मिलेगा, डोंट इवन ड्रीम अबाउट इट। उसमें गद्दे डाल दिए, गद्दे ऐसे कि उनमें इतने निशान होंगे, दे विल स्टिंक लाइक एनीथिंग। मैंने 8 से 9 साल तक एथलीट्स को तकिया बना के सोते हुए देखा है थोड़ी नेशनल्स में। आवाज कट गई आपकी, क्या किसका तकिया बनाते हुए? मैंने लास्ट 8 से, मतलब बीसीआई से पहले 8 से 9 साल तक एथलीट्स को अपने जूतों का तकिया बना के सोते हुए देखा है नेशनल्स में। वो लोग गद्दे डाल के गायब हो जाते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। टॉयलेट बाथरूम जो शायद साल 2 साल में कभी साफ नहीं होंगे, वो एक एक टॉयलेट बाथरूम 50 50 एथलीट उस टाइम पे शेयर करते थे। मैं सीरियसली, मैं और मेरा भाई रोहित दोनों जाते थे। आप एक दूसरे को ऐसी कंडीशन में रहते हुए नहीं देख सकते। और मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स भी हैं पंजाब से, हर जगह से हम लोगों ने इतना कुछ देखा है कि नाउ वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यार हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है अपने एथलीट्स को। अगर आपको चाहिए होंगी तो मेरे पास पुरानी फोटोज, खाना मतलब जो बना हुआ है ना, ठंडे चावल है या बासी आलू है जो भी है, रोटी ऐसी कि आप तोड़ नहीं सकते कि ये है खाना है, खाओ, ये भी आधे घंटे में खत्म हो गया। और आप चलो आप कैपेबल ऑफ कर सकते हो, तो आसपास कोई होटल नहीं है, कि आगरा जैसी जगह में किसी और आउटस्कर्ट्स में इवेंट करवा दिया किसी एक स्कूल में, कि और जहां पे वेन्यू भी ऐसी नहीं है कि आप पूरे दिन पसीने से नहा के हालत हाल बेहाल हो। हमने तो बहुत सफर किया बहुत ज्यादा पहले, क्योंकि एक एथलीट, आपको मैं बताता हूँ प्रदीप जी, देखिए कि एक बहुत ही पावर और स्ट्रेंथ वाला गेम है। आप पूरे साल तैयारी करते हो, फिर अगर आपको आखिरी के आपको आप, मेरे को आदत नहीं है, अभी मैं ओपनली कहता हूँ, तो मैं वेल टू डू फैमिली, बहुत सारे एथलीट होते हैं जिनको अच्छा खाना अच्छे से रहने पीने की आदत हो, तो अगर उन्हें वो ना मिले, उन्हें वो शॉकिंग एक्सपीरियंस मिले, उनकी आधी पावर तो वहीं टूट जाएगी यार। हाँ ना सही तो बात। खाना मिल रहा है, ना रहने को मिल रहा है, ना नहाने को मिल रहा है, ना कुछ, मतलब आप सोचो यार मैं किस जगह आ गया, आप कहाँ से खेलोगे, आप कहाँ से अपना बेस्ट दोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। और सही तब बात उनकी ये भी होता था कि नहीं यहीं पे ही रहना है, पूरी टीम यहाँ रहेगी तो यहीं पे ही रहना है। हाँ एक होता है ना कि बस तानाशाह वाला सीन था, तो है। थोड़ी भी सही है। ये तो वही जबरदस्ती वाली हाँ बात कि ये हमें पैसे देकर ही जाना है इंटरनेशनल, या फिर हमारे बुक्ड नहीं, वेन्यू में आपको रहना। अगर नेशनल भी खेलने जाना, आप कहते हो कि मान लो टीम सारी है आसाम से, कोई बंदा कहता है नहीं जी मैं तो बाहर आऊंगा दिल्ली या कहीं भी हो रहा है, तो नहीं आपको ट्रेन टिकट का तो पैसा देना ही होगा, फिर जैसे मर्जी आओ। ये मेरे तो पास बढ़िया जी इतनी बात सारी है। क्वेरीज है ना उस टाइम की, क्योंकि मैं उस टाइम पे दिल्ली टीम कैप्टन होता था, तो मैं सारी स्टेट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, तो हम लोग तो हंसते थे बैठ के कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, कब तक चलेगा, और ऐसा। तो भाई एक चीज़ है, थोड़ा मैं इंटरफेयर इसमें करना चाहूँगा। यस विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, जो जो अभी आपने एग्जाम्पल दिए, यस तो ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने भी अब आज की डेट में अपग्रेड कर दिया हो, और वो अब वो भी ये चीज़ ना कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं है? मैं कहता हूं आप न्यूट्रल रहिए प्रदीप भाई जी, आप दोनों जगह के इवेंट्स देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो बनाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। वी आर ओपन फॉर इट, क्योंकि उस चीज को ना आप में समझ सकते हैं, वो क्यों समझेंगे ये बताइए, उनमें ऐसा क्या बदलाव आया होगा कि वो ये चीज समझ जाएंगे। हमने तो ये फर्स्ट ईयर में ही कर दिया था ना, अपने फर्स्ट बीसीआई में ही। हमारे पास कोई फाइनेंशियल वो भी नहीं था, कोई इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी, कोई फंडिंग भी नहीं थी, देन ऑल्सो वी डिड इट बिकॉज कि हम उसे एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं कि एथलीट पूरे साल मेहनत करके आता है, ही शुड गेट ए गुड एक्सपीरियंस, गुड प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग। उनसे 12 साल में नहीं हुआ, मैं देखे जा रहा हूँ देखे जा रहा हूँ, तो वो 1 साल में 2 साल में कहाँ से कर देंगे तो मतलब अभी एक स्किल। आपको आपको ये लगता है कि अभी भी लगभग सेम ही चल रही होगी सिचुएशन? सेम ही हालत है सेम। मैं कहता हूँ ये तो छोड़िए, अभी भी आप उनको इतना बोल दीजिए हमारे एथलीट्स को फ्रीडम है जी कहीं भी खेल लो, आप उनसे इतना ही दिलवा दीजिए। ये इन सब में तो फिर भी पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए है। मैं कहता हूँ आप उनसे इतनी फ्रीडम ही दिलवा दीजिए उनके एथलीट्स को कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके खेल पाए। नहीं हो सकता, फ्रीडम वो में तो बेचारे भाई डरते हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे पास रेगुलर मैसेज कॉल आता है, भी हम प्रैक्टिस पे आ जाएं, हम आपके एथलीट्स के साथ खेलना चाहते हैं, बस कोई वीडियो ना बनाए। यार ऐसे डर डर के जीना भी है तो क्या जीना है, क्यों खेल रहे हो भाई।
ऐसे में तो यस थोड़ा उस चीज़ से निकलने के लिए इंसान को थोड़ा अपनी खुद की भी हो सकता है, अगर कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस बना ले उससे भी हेल्प मिलेगी, और यस जब बंदे की डिमांड होगी तो मेरा ये मानना है कि वो खेलेगा कहीं ना कहीं, तो फिर उसे आप कितना यस भी बैन कर लो अगर डिमांड है तो रास्ता हाँ निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं बैन से। वही है। मैं तो बहुत खुश गुजार हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने हम सबको बैन किया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हमारी लाइफ बहुत अच्छे वे में चेंज हुई है उसके बाद। मेरा मानना इसमें भाई ये है सिंपल कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हो कि किसी को आप पेमेंट कर रहे हो, किसी का ब्रांड बना रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, आने जाने का टिकट वगैरह कवर कर रहे हो, मतलब एज ए जर्नी उसे साथ लेकर चल रहे हो बंदे को, तब आप उस पर ऑब्लिगेशंस लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपने पूरी स्टार्टिंग से मेहनत यस करके एथलीट को बनाया, उसका हर एक खर्चा कवर यस किया है आने जाने का, यस सब कुछ प्राइज मनी एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आपके साथ हो सकता है, आप यस उसको एनुअली भी कुछ छोटी मोटी फीस दे रहे हो, तब समझ में यस आता है। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द एथलीट देन बैनिंग, वो मेरे हिसाब से उसमें कोई सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी। प्रदीप भाई, आप इतना ही सोचिए कि मेरे अंदर और हमारी फैमिली में आर्मरेस्टलिंग का इतना जुनून है कि हम लोग स्टार्टिंग से उन लोगों को हर तरीके से सपोर्ट करते थे, चाहे एज ए स्पॉन्सर्स लाके दे या कुछ भी करें। जब हम जैसे लोगों के लिए ही वो लोग नहीं कर पाए, हम जैसे लोगों को ही वो लोग खो चुके हैं, तो बाकियों का तो मैं कहता हूँ कोई नहीं बनता, मतलब नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई गोवा के इवेंट की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आपने स्पॉन्सर्स यस को मेंशन किया, अगर कोई आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो ना रिवील करने के नहीं तो नहीं नहीं बात कोई अलग इशू है, नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 1500 रुपये में, मैंने पढ़ा कि खाना भी होने वाला है और अकोमोडेशन भी होने वाला है वो भी गोवा के अंदर, यस तो 1500 यस से तो वो सब कवर नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास पैसा यस आ कहाँ से रहा है? भाई जी, मैं बताता हूँ, पर प्लेयर वी आर स्पेंडिंग मोर देन लाइक 4.5 to 5,000 रुपीज, कि उसमें उसका एसी स्टे भी है, 3 टाइम का बफे भी, 3 से मतलब कि लंच और आपका डिनर बफे भी है, ब्रेकफास्ट का भी आर स्टिल डिसाइडिंग कि मेन्यू क्या होगा। एंड मैं आपको ना उसमें आपकी टी शर्ट भी है BCI की, और आपको आपको पता है एक अच्छी इवेंट मैनेजमेंट टीम रखते हो ना स्टेज के लिए, उसी में आपका 4 से 5 लाख कैमरा टीम का और इवेंट मैनेजमेंट टीम का भी खर्चा होता है। सो वी हैव फ्यू स्पॉन्सर्स विद इट, वेरी गुड स्पॉन्सर्स, एंड हम लोग अपनी जेब से भी इन्वेस्ट करते हैं व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड और व्हेनेवर इट इज नीडेड, क्योंकि हमारी टीम लाइक वेल टू डू है, सारे लोग अच्छे हैं। सो वी डू इट फॉर द लाइक लव ऑफ द आवर स्पोर्ट, कि मेन है कि एथलीट एक एक्सपीरियंस लेके जाए, उसे याद रहना चाहिए कि हाँ यार दैट्स द मोटो। तो मेरे पास मैसेज आया था ईशान भाई का, वो मेरे को भी बुला रहे थे कि प्रदीप भाई आप आ जाओ, इवेंट को कवरेज करना है एज ए न्यूज़ गाय, कि हम आपका भी अकोमोडेशन का कर देंगे, खाने पीने का वहाँ पे कर देंगे, तो वो बड़ा मैं आई फेल्ट रियली रिस्पेक्टेड है। मैं अभी भी ट्राई तो कर रहा हूँ भाई लीव लेने के लिए यस छुट्टी का, लेकिन अभी तक कुछ गारंटेड मिल नहीं रहा है, पर कोशिश मेरी अभी भी यही रहेगी कि हाँ आऊँ मैं इवेंट पर, ज़रूर अटेंड करूँ अगर आप आए तो। एंड भाई नेक्स्ट मैं बात करूँगा नहीं साहिल प्रदीप भाई। भाई, इट विल बी आवर प्लेजर कि अगर आपको छुट्टी मिल जाती है, आप आ जाते हैं, आप हमें ज्वाइन करते हैं, इट विल बी अ प्लेजर फॉर अस। हम लोग पूरी, जिसे कहते हैं ना कि पूरी, उससे आपको हॉस्पिटलिटी देंगे, बेस्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ वापस भेजेंगे। यस मेरे पास मैं नाम नहीं लगूंगा लेकिन कुछ दोस्तों के, मेरे दोस्तों के मैसेज आए कि भाई आप प्रोपंचल लीग को प्रमोट करते हो तो वो लोग आपको रोकेंगे तो नहीं? मैंने कहा कि अगर कोई रोकेगा तो वो एथलीट को रोक सकता है, और हालांकि यस मेरे को तो दोनों पसंद है, मेरे को आप अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो लगता है, उनकी भी प्रोडक्शन क्वालिटी मेरे को ज़बरदस्त लगती है तो मैं उनका भी यस प्रमोट करता हूँ, तो यस मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं तो एज ए न्यूज़ रिपोर्टर जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई क्या बैन करेगा, मैं तो अपनी एल्बो तो रख ही नहीं रहा पैड के ऊपर कहीं भी, तो मेरे को तो वो नहीं, ये कि अगर आप न्यूट्रल रहना हमारी है तरफ मैंने। से, अगर आप हमारी तरफ से खेलोगे तो आप अपनी कोहनी कहीं भी रख के खेल सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ वहां से हो सकता है कि आपको फिर वो आ जाए, लेटर आ जाए निकल के। नहीं मेरे को उतना उतना ज़्यादा एसोसिएशन रहना ही नहीं, जो भी चीज़ अच्छी कर रहा है, देखो जो अच्छी करता है तो वो कोई भी कर रहा हो वो चीज़ दिखाई, इसी इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई जो जिन लोगों के बारे में आप कह रहे थे, हो सकता है मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता है उन्होंने भी अभी वो सब चीज़ छोड़ दी हो, क्योंकि मेरा काम यही है कि अच्छी चीज़ें पहले देखी जाए। तो थोड़ा सा भी क्योंकि इसकी बात दोबारा चल पड़ी तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या गलत हुआ उसे थोड़ा सा छोड़ के सभी ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे तो मेरे को लग रहा है फिलहाल चांस बहुत कम है साथ में लड़ने का, बट आपके अनुसार अगर क्या हो जाए तो सभी एक साथ मिलके गेम करा सकते हैं। प्रदीप भाई, हम लोग तो सारे एथलीट्स को वेलकम करते हैं जो भी हमारे साथ यहाँ पे आके खेलना चाहते हैं, वी विल वेलकम एवरी एथलीट, और उसके बाद वो कहीं भी जाके खेले, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है, हमारी वो सोच ही नहीं है। और बात रही एसोसिएशन एक करने की, तो एसोसिएशन BCI इज आवर्स, वो हमारी ही रहेगी, वो हमें किसी के साथ कोलैब नहीं करनी है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं उनके साथ।
नहीं, मैं कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहा, बट जस्ट एज ए यस। पीसफुल कि हाँ ये फेडरेशन की लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाए, अब वो मैं एक किसी एक आपको चीज से बताता हूँ खत्म ना हो भाई सकती जी, है। मैं बताता हूँ। देखो पहले तो हम लोग काम करते थे तो हम लोगों को बैन किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया में ना रेसलिंग के बहुत अच्छे इवेंट्स करवाते हैं। लॉयंस अंपायर से हैं गोल्डी भाई, अरविंदर पाजी, तो उनके साथ भी उनको इश्यूज रहे, उनको भी बैन किया। लेकिन अब मैं और गोल्डी भाई कोलैब कर चुके हैं, दे आर कमिंग टू आवर इवेंट, हम लोग उनके इवेंट में जाते हैं, वो हमारे इवेंट में आते हैं, तो हम लोग तो एक है, हमारी तरफ से फुल इंडिपेंडेंस है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यार एक ही एसोसिएशन को सबसे दिक्कत क्यों है। जी प्रोफेशनल और वो तो अलग है, लेकिन भाई मेरे को अभी भी मेरा आंसर अभी तक नहीं मिला आपसे। मैंने पूछा है कि एक चीज़ क्या किसी की भी तरफ से, चाहे आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, एक चीज़ क्या अगर ऐसी हो जाए तो आपको लगता है कि ये अगर हो जाए तो सब फेडरेशंस की लड़ाई उनकी तरफ से, आपकी तरफ से मैंने मान लिया चलो कोई नहीं, अगर ये हो जाए तो उनकी तरफ से भी ख़त्म हो सकती है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए चीज़ तो। भाई जी मैं बताता हूँ, हम लोगों का वो है ही नहीं ना। हम लोग हमारे एथलीट, हमारी फर्स्ट पॉलिसी रही है कि हमारा एथलीट कहीं पे भी खेलेगा, उनकी पॉलिसीज ही अलग है ना। तो पॉलिसीज का आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी पॉलिसीज का इश्यू है। ओके, पॉलिसी का इश्यू है, राइट। यस, क्योंकि तो भाई हमारे आप एथलीट को फुल इंडिपेंडेंस है, हम लोग इवेंट्स इतने करवाते हैं, वी आर सो रेगुलर इनटू इट, सो वी आर टोटली ओके विद इट। देखो, मेरा तो ये कोशिश रहेगी, हालांकि मैं एक इंडियन आर्म रेसलिंग में एक बहुत ज़्यादा 0.001% छोटी एंटिटी हूँ, तो मेरे करने से अभी कुछ नहीं होगा, बट होपफुली आगे चल के कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए अगर मैं किसी तरह फेडरेशंस को मतलब ये लड़ाई ख़त्म करवा दूँ, तो मेरा आज से जो कोशिश रहेगी थोड़ी उसी डायरेक्शन में होगी। देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, बट कोशिश भाई दोनों जी मैं करेंगे। बताता हूँ, बहुत जल्दी एथलीट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो लोग ये डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ खेलना है, उन्हें समझ आ बिल्कुल जाएगा। आज बिल्कुल की डेट में 80% जो सीनियर एथलीट्स है ना, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पे खेलना है, एंड दे आर प्लेइंग एट दैट प्लेटफॉर्म। वो लोग बीसीआई में खेल रहे हैं। आप जितने हम पुराने सीसी की बात करें, देवोजीत से लेके सारे के सारे, मेहंदी पाजी से लेके सारे जो सीनियर एथलीट्स है पुराने, सनी चौहान हमारे साथ है, देवोजीत भाई है, प्राणजीत है, हमारे अबीन कुरियन है, पाथ है, कि सारे जो सीनियर एथलीट्स हैं बीसीए में खेल रहे हैं। यस, हाँ, तो ये मेरा तो यही और ये मानना है बात जो जो सिर्फ आपने, इंडियन बॉडी में नहीं है, आप इंटरनेशनल बॉडी में भी देखोगे ना तो भी आपको यही देखने को मिलेगा कि लेवान कहाँ पे खेल रहे हैं, बैकमैन कहाँ पे खेल रहे हैं, कि सबको पता है कि यू हैव टू ट्रस्ट विच बॉडी। तो ये जो आपने बात बिल्कुल सही की है कि प्लेयर अपने आप शिफ्ट कर जाएंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। तो जैसे मान यस लो BCI है या IAF करा रहे हैं या लायंस वाले करा रहे हैं या प्रो पंजा वाले करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मतलब लेवल भी साथ साथ उठेगा। जब एक एक ऑर्गेनाइजेशन देखेगी यार प्लेयर उस उधर ही जाते जा रहे हैं, तो बाकी सब जो कि हो सकता है नेगेटिव चीज़ें हो उन्हें छोड़ के लेवल सबको उठाना पड़ेगा अगर एथलीट्स को रिटेन करना है। तो ये मेरे ख्याल से हेल्दी यस कॉम्पिटिशन भी हो सकता है आगे चल के सभी के बीच यस में। नहीं, हम लोगों का देवन सही रहा है कि हमें ना एथलीट्स को एक एक्सपीरियंस देना है कि हम लोगों को हमारा लेवल हमने डे वन से ही मेंटेन किया हुआ था। हम किसी और को देख के या उससे इंस्पायर होके नहीं कर रहे हैं, हमें डे वन से ही क्लियर था कि हमारा विजन क्या है। हो सकता है कि बाकी लोग शायद हमसे इंस्पायर हो जाए। जी। तो भाई अब इवेंट पे आपके पे वापस आते हैं, साहिल भाई के साथ देखा आपके साथ पहले से इवेंट में, वो दिल्ली वाले इवेंट में भी आए थे, वो सभी जगह आते रहते हैं, बट ये ब्रांड एम्बेसडर वाला कोलेबरेशन कैसे और कब हुआ? ये बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। बस अभी इतना ही बताना चाहूंगा कि अब से बीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेस साहिल खान भाई हैं। इसकी ओके डिटेल्स हम लोग अभी पब्लिक नहीं करेंगे। यस, तो भाई एक तो दो क्वेश्चन बचे हैं मेरे बस क्योंकि आपसे, इसका एक एक रीजन है, मैं बताता हूँ भाई जी, बॉडी बिल्डिंग में भी ना उन साहिल भाई ने इतना एक्सपोजर लाए हैं। मैं बताता हूँ, एक होता है लोग बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं या करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, साहिल भाई का हमेशा रहता है कि आपको जिस चीज से प्यार होगा ना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, आप उससे पैसा नहीं निकालोगे। माय फिटनेस से उन्होंने ओलंपिया स्पॉन्सर किया, वो हर कॉम्पिटिशन स्पॉन्सर, इतने एथलीट स्पॉन्सर करते हैं कि वो ना हमेशा पूरी शिद्दत से, जिसे कहते हैं ना कि जो भी चीज या गेम उन्हें पसंद आती है उसे वो प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इतना ग्लैमर ला चुके हैं, तो आर्म रेसलिंग में भी बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा, जी, सो वी कैन डेफिनेटली वेट। अच्छी बात है पॉपुलैरिटी। आपकी यस वीडियो भी देखी काफ़ी अच्छी लगी साहिल भाई के साथ जो आपने गोवा यस की इवेंट वाले उनके चैनल पे वीडियो आई थी वो भी ज़बरदस्त थी। यस तो भाई एक तो मेन चीज़ ये है कि एक मैसेज एथलीट्स के लिए जो इसे देख रहे हो, आई एम एज्यूमिंग कि अभी भी रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं गोवा वाले इवेंट के लिए, एक बार थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए किस तारीख को क्या होने वाला है और क्यों आए एथलीट खेलने के लिए फाइनल वो। यस
हमारा नेशनल्स है 18 से 20 मई। आप 18 मई को भी एट द स्पॉट आके गोवा में अंजुना बीच पे आपको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 19-20 को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सबसे मेन है कि आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा ना कि जो आपको सालों में नहीं मिला होगा। एंड आपको इतना अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा दैट यू विल एंजॉय इट। तो वी वेलकम ऑल द एथलीट्स की यस। तो भाई मैचेस कौन कौन से दिन को, मतलब 18th को रिपोर्टिंग होगी, 19th 20th, यही शेड्यूल मेरे को दिखाई दे रहा है। यस 18th को रिपोर्टिंग होगी। 19th को आपका लेफ्टिनेंट है, जूनियर बॉयज गर्ल्स और मास्टरमैन और सीनियर वुमेन। एंड जो मेन कैटेगरीज हैं जैसे कि सीनियर मैंस होता है राइट, वो हमारा सारा 20th को है। और 20th को ही हमारी काफी अच्छी और भी बाकी डिक्लेरेशन होंगी साहिल भाई के साथ। और जो मलेशिया के हेड रेफ जो जिल आ रहे हैं, उनके जो सेमिनार है उसके बारे में भी, सर्टिफिकेशन सेमिनार के बारे में बताइए थोड़ा। यस सो जिल इज द हेड रेफरी ऑफ पाल प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग। एंड वो सेमिनार कंडक्ट करते हैं कि किसी को भी रेफरीशिप सीखनी हो या तो उसके लिए, तो वो उसे सर्टिफाई भी करते हैं, एग्जाम भी लेते हैं। तो आप आ सकते हैं, रेफरीशिप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। उसकी फीस है 3,000 रुपीज। एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड बी ए प्रोफेशनल। आई एम लाइक लेवल 2 सर्टिफाइड रेफरी ऑफ इंडिया। एंड वेरी सून आफ्टर दिस इवेंट आई विल बी लेवल 3। इसमें कितने तो लेवल्स होते हैं, और मतलब लेवल का थोड़ा समझाएंगे क्योंकि मेरे को पता नहीं है इस बारे में किस लेवल पे क्या होता है। लेवल 1 रेफरी होता है कि वो सिर्फ साइड रेफरी कर सकते हैं। दे हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द रेफरीशिप कि जिल सर होते हैं, वो हर सेमिनार के बाद एग्जाम लेते हैं। नहीं भी फील्स लाइक तो ही आप पास करते हो वरना आप फेल करते हो। तो मैंने लेवल 2 तक के एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं एंड नाउ आई विल बी अपीयरिंग फॉर लेवल 3। एंड लेवल 2 के बाद क्या होता है, जैसे ही आप 3 सक्सेसफुल इवेंट्स करवा चुके होते हो एज ए रेफरी, तब आप लेवल 3 बन जाते हो। सो इट इज माई थर्ड इवेंट जो मैं रेफरीशिप करूंगा। सो इट्स लाइक दैट। और भाई लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा जो आपने बताया भी कि कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, उसके ज़्यादा डिटेल में जाए बिना आगे के प्लान्स क्या हैं बीसीआई के फॉर 2022? ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मैं नहीं जाऊँगा, 22 तक, दिसंबर तक। 22 में ही वी विल मेक इट ए ब्रांड, लाइक आर्म रेसलिंग विल बी ए ब्रांड। आर्म रेसलिंग को जितना एक्सपोजर पिछले 10 से 12 साल में नहीं मिला है ना, हम कहते हैं उतना 2022 में मिल जाएगा। वी प्रोमिस इट इन ए सिंगल स्टेटमेंट कि जो आर्म रेसलर्स को रिस्पेक्ट, जो एक्सपोजर इतने सालों में नहीं मिला ना, वो इस साल मिलेगा। तो भाई संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर फिर ज्वाइनिंग, आपको भीड़ में बहुत। ना खड़े होकर ऐसे बताना नहीं पंजा लड़ाता हूँ या मैं क्या करता हूँ। आप सीधा बोल सकते हो मैं आम असलर है, लोगों को पता होगा आम असलर क्या होता यही है फ्यूचर, तो देखते हैं हम भी यही, और जितना जल्दी आ जाएगा उतनी खुशी हमें भी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हमारे सीनियर एथलीट्स हैं वो भी रिटायर हो जाएं तब वो फील करें कि यार हमारे टाइम पे नहीं था, अभी हो रहा है, तो नहीं हमारी था। किस्मत ख़राब थी। एग्जैक्टली तो जितना जल्दी हो जाएगा उतने ज़्यादा लोग इन्जॉय कर पाएंगे उस माहौल को। एग्जैक्टली यस तो संदीप भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, बहुत प्लेजर था आपसे बात करना। कोई एक फाइनल मैसेज आप इंडियन आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को कर देना चाहते हो तो? इट्स ऑलवेज माई प्लेजर प्रदीप भाई। एंड मेरा एक ही मैसेज है कि प्ले लाइक देर इज नो टुमोरो, गिव योर बेस्ट शॉट टूडे एंड ग्रो लाइक एनीथिंग। एंड गेम को प्रमोट करो, आप अपने आप बड़े हो जाओगे। आई ओनली वॉन्ट टू से दिस थिंग, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच संदीप भाई, और फैंस के वेलकम लिए, प्रदीप भाई। व्यूअर्स के लिए, भाई प्लीज़ संदीप भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बाइसेप्स को फॉलो करो, टूर्नामेंट जरूर अटेंड करना गोवा में, एंड आर्म रेसलिंग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लो, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू भाई, वेलकम।